नंबर पे क्या है, 0.9 × 0.9 × 0.9, बोलो बोलो आगे, प्लस जीरो, हाँ प्लस। अच्छा ये वाला हो गया था क्या? नहीं हुआ था। 0.3 × 0.3 × 0.3, फिर आगे माइनस, हाँ 0.9 × 0.2 डिवाइडेड बाय, अच्छा इंटू थ्री भी है, चलो हाँ डिवाइडेड बाय 0.9 × 0.9 प्लस 0.2 × 0.2 प्लस 0.3 × 0.3, फिर माइनस, हाँ 0.2 × 0.3, हाँ 0.9। ओके, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, संख्या देख के परेशान मत होना, ए बी सी में कर देना, ठीक है। ए बराबर मान लो आपका क्या है 0.9, बी बराबर क्या है 0.2, और सी बराबर क्या है 0.3। क्या लिख सकता हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ओके, हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला देखे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर इधर क्या रहता था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू पूरा ये वाली वैल्यू थी, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है इधर आ गई है, तो अगर देखोगे ये वाला और ये वाला उत्तर क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर है ना फॉर्मूले से। चलो तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 0.9 + 0.2, ऊपर नीचे लिख देना 0.9, 0.2 और 0.3, 9 2 11 11 3 14, 1.4 इतना आ रहा है क्या, क्या आ रहा है। ठीक जीरो, ये तीन ये फॉर्मूले में है, फॉर्मूले में देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ABC, ये तीन के साथ फॉर्मूला बनता, तो ये वाला तीन का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, वो फॉर्मूले में ही आया है, डायरेक्ट आंसर आता है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, अगर सॉल्व करने जाते गुणा भाग करके परेशान हो जाते, डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है विद इन अ सेकेंड बनता, समझाने के बाद अगर आ गया है ना, ओके बन जाएगा। चलो 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, क्या किसी को उतारना उतार लो, जल्दी जल्दी उतारो, ठीक है। क्या करोगे, फॉर्मूला पता है ना, ये वाला आखिरी फॉर्मूला था हमारा 9वां नंबर का, जो 9 फॉर्मूले दिए हैं, ये 9वें नंबर का फॉर्मूला था, ये वाली वैल्यू जो थी किधर थी, इधर आ जाती थी बस, याद है, याद है फॉर्मूला ना, फॉर्मूला याद है तो बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ नहीं है कर सकते हम लोग, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, है ना त्रिवेणी मैडम, जिसको फॉर्मूला मिटा लू की रहने दू, मिटाल दू, उतार ली हो पक्का, बेटा चलो है ना, चलो जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसके चेहरे में दिख जाएगा ना, ऑफलाइन वालों की आवाज में दिख जाएगा, आवाज में क्या है उनकी कमी आ जाएगी, है ना, रजनी राठौर याद है, जी सर। चलो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.27, बोलो × 4.27 × 4.27 आगे प्लस 30 × 4.27 × 5.73 प्लस 5.73 × 5.73 का स्क्वायर। आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा ठीक से बोलना या मैसेज कर देना, कोई बता देगा आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज तो क्लियर पहुंच रही है ना आप लोगों तक, चलो मेरी आवाज का दिक्कत नहीं है ना, आप जो बोल रहे थे थोड़ा सा देखोगे। फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी और सी के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। 4.7227 है, 5.73 है, दो नंबर दिख रहा है, ओके चलो मैं लिखता हूं, ए बराबर 4.27, बी बराबर 5.73, ये क्या बनेगा पूरा, ए क्यूब प्लस 30 ए इंटू बी प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यूब लिख सकता हूँ क्या, है ना, चलो बी क्यूब, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 30 ए बी, नहीं है, ए प्लस बी के होल क्यूब में भी सेट नहीं हुआ है ना,
अभी सेट करना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, ये है, ये है फॉर्मूला ना। चेक करो 30 है। कल कोई मेरे को बोल रहा था कि 3.0 है क्या यहाँ पे, सर मिसप्रिंट है क्या? 30 ही है। कैसे है देखो, 4.27 और 5.73 जोड़ो कितना होता है? 10 होता है, पक्का? चलो ये 30 को मैं रीराइट लिख रहा हूं, देखना दोबारा लिखता हूं ना, ए क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू ए बी चलेगा प्लस बी क्यूब, लिख सकता हूं क्या, है ना? ये 10 क्या था अपना, 4.27 प्लस 5.73, ए क्यूब प्लस 3 ए बी को आगे लिख दिया, 10 को मैं क्या लिख दिया हूं, ए प्लस बी क्यूब। अब सेट हुआ है क्या? हो गया है। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब, इसी की वैल्यू पूछा है। ए कितना है? 4.27, बी 5.73, ए प्लस बी 10, तो 10 का होल क्यूब ये उत्तर आएगा, मतलब 1000। 1000 ऑप्शन में है ना, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? ये 10 कहाँ गया सर? ये 10 यहाँ गया, ये देखो, जागो जागो, ये 10 यहाँ गया है। a प्लस बी 4.27, 5.73, 10 वही है a प्लस बी। ठीक है, थोड़ा सा होश में बैठोगे तो दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, तेज तो नहीं हो रहा है बता देना, ये स्पीड हम लोगों को पकड़ना है, ये वाली स्पीड के बिना काम थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। चले, बन गया सभी से? क्वेश्चन नंबर 16, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3 ए बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, दिख रहा है क्या? पक्का? कितना उत्तर आएगा, है ना? देखो लास्ट वाले में मिसप्रिंट है, 3.8 इंटू 1 लिखा है ना, वो 1.5 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 1.5 है, वो मिसप्रिंट हुआ है ना। डायरेक्ट उत्तर कितना आएगा बताओ? 10 ए प्लस बी प्लस सी, हो गया। कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? बन जाएगा ना। किसी को सॉल्व करना है क्या, किसी के लिए भी नहीं करना है ना, फॉर्मूला पूरा यहाँ है, यहाँ पे फॉर्मूला है, तो हो गया काम। अब देख के बना लोगे क्या? ऐसी दिमाग तो नहीं लगेगा ना, मतलब दिमाग तो लगेगा, मतलब दिमाग लग जा रहा है ना उतना, कि हेल्प की जरूरत है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ए क्यूब दिख रहा है प्लस बी क्यूब दिख रहा है, नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा कोई फॉर्मूला मैं बताया हूं क्या? बताया हूं, चलो है। उत्तर क्या आएगा? ए प्लस बी। चलो कर लेते हैं ये वाला पैटर्न। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्या बोल रहा है बताओ थोड़ा सा। 785 इंटू 785 प्लस 435 इंटू 435 इंटू 435, क्या आपकी आवाज कट रही? जो भी आप बोल रहे हो ना सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 इंटू 435। देखो जनरली आपको नंबर देख के यहीं पे करने की जरूरत है, यहीं पे डायरेक्ट आप करो, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो आप क्या करो, कितने नंबर दिख रहे हैं, एक और दो, एक 785 दूसरा 435 है, ए और बी के रूप में लिख दो, ए बराबर 785 बी बराबर 435, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना? तो इसमें क्या फॉर्मूला बनता है? डायरेक्ट उत्तर ए प्लस बी। कैसे याद रखोगे? याद करने के लिए पहले बोला था याद कर लेना, ठीक है, याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, बीच में ऊपर वाले में क्या है, प्लस का चिन्ह, उत्तर डायरेक्ट आप प्लस लिखोगे, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो डायरेक्ट उत्तर क्या आता, माइनस में आता। चिन्ह याद रखोगे, जब ऊपर में प्लस है नीचे में क्वेश्चन में आपको माइनस देगा, एक यहाँ पे कहाँ पे, ए बी के साथ, और अगर ऊपर में माइनस है तो क्या देगा, प्लस देगा। ये मैं याद करने के पहले नहीं बताया था, क्योंकि याद करते टाइम आप क्या नहीं आलसपन करते, चलेगा ना? डायरेक्ट उत्तर कितना आएगा बताओ, 785 प्लस 435, 5 5 10 8 4 12 और 7 4 11 1 12, 1 2 2 0, है ना, 12 20 12 20 उत्तर है। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, देखो 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस 1,
10.3 इंटू 10.3 माइनस 10.3 प्लस 1, कुछ कर सकते हैं? कितना उत्तर आएगा? 11.3। कितने लोगों को नहीं बना? 11.3 कहां से आया? एक, चलो दो, तीन, बढ़िया है ना। बस थोड़ा सा दिमाग खोलोगे आ जाएगा, जस्ट इसी के नीचे बनाऊंगा, ठीक है, ताकि दोनों को कंपेयर कर सकूं। जिसको बन गया बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं बना है वो देखना, ये ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। 10.3 इंटू 10.3 इंटू 10.3 प्लस क्या है? एक बटे 10.3 इंटू 10.3, आगे बताओ, माइनस 3 प्लस 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। तो जहां 1 लिखा है मैं वहां पे लिख सकता हूँ क्या? 1 इंटू 1 इंटू 1, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, तो चलो मैं इसको लिख देता हूँ, 10.3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बटे 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3 है ना, तो 10.3 इंटू 1 किया, कोई फर्क पड़ा क्या? प्लस 1 का स्क्वायर, दिख रहा है? ये 1 देख के केवल डरा रहा था, अब 1 के साथ कुछ भी कर सकते हो ना, स्क्वायर क्यूब वैल्यू तो वही आने वाली है। कैसे दिख रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिखा क्या? उत्तर क्या आएगा? ए प्लस बी, कितना आएगा? 11.3, ठीक है, खुल गया दिमाग, पक्का ना? चलो क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा छाप लो छाप लो, नहीं तो बोलोगे टाइम नहीं मिला है ना, उतार लो उतार लो, भी आएगा है ना। चलो रुक जाओ, क्योंकि अपने पास 25 तक का ही है, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, तो इतने ही करने अपने को क्वेश्चन, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। कल के प्रैक्टिस किए थे ना? हाँ सर। चलो चलो आ गया ना, ओके चलो उतार लिए क्या? उतार लिए सब, छाप लिए ना, पक्का बिटाल दूं? कोई बचा तो नहीं है? अगर बचा तो बता दो, मैं रुक जाता हूं, नहीं तो फिर मैं बिटाल दूंगा, बिटाल दूं ना? चलो क्वेश्चन नंबर कौन से पे हम लोग? 19, ठीक है। चलो 19 क्या है वो थोड़ा सा बोल दो। 19 क्या बोल रहा है? पहले 19 तो कर लूं मैं, 0.051। अच्छा सेम क्वेश्चन है, पक्का उत्तर कितना हो जाएगा? 0.051 प्लस 0.041, कितना आ जाएगा? 2900.09, उत्तर हो गया सीधा सीधा, दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बूढ़ा भाग तो करने नहीं लगोगे ना, अभी साथ में बन जाता है ना, साथ में चल रहे हो बन जाता है, नहीं तो दिक्कत करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 0.216 प्लस 0.064 बटे में 0.36, 0.16, 0.24, किससे नहीं बना? किससे किससे नहीं बना क्वेश्चन नंबर 20? चलो ईमानदारी से हाथ खड़ा करना, ऑनलाइन वाले बता देना ईमानदारी से। अच्छा किससे किससे बन गया? 1 2 3 4 5, 5 लोगों से बना है, है? और बाकी लोग ना तो हा में हाथ खड़ा कर रहे ना तो ना में हाथ खड़ा कर रहे हैं। ऑनलाइन किससे बना है? वन आया था सर। चलो देखेंगे, उत्तर नहीं मेरे को चाहिए, बना है या नहीं बना है ये बताओगे ना, किससे बन गया है? नाम बताओ। उत्तम, उत्तम, उत्तम पटेल से बन गया। और कुंदन सर। चलो कुंदन, चलो 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 इंटू 6 कितना होता है? बस यही तो संख्याएं दी है, 6 का क्यूब बोल रहा है, 0.6 का क्यूब 0.216, 0.6 का स्क्वायर 0.36, 0.4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 0.064, और 4 का स्क्वायर 0.016, और 0.4 इंटू 0.6 करोगे तो 0.24, वही सारी संख्याएं दी हैं, वही सारी संख्याएं दी हैं। क्या कर सकते हो? 216 को क्या लिख सकते हो? 0.6 का क्यूब, 64 को 0.4 का क्यूब, ओके 64 मतलब 0.064 को ना, 36 0.6 का स्क्वायर, 16 0.4 का स्क्वायर माइनस
0.6 इंटू 0.4 देखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, डायरेक्ट उत्तर कितना आएगा 0.6 प्लस 0.4 1.0। ठीक है, एकदम ध्यान से लगाना, 10 दिया होगा ऑप्शन में, 100 दिया होगा, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, नहीं दिए हैं वैसे, 1.0 ही दिया है, ऑप्शन कैसे कैसे रहेगा याद रखना, 10 देगा, 100 देगा, 0.1 देगा और 1.0 देगा, तो पॉइंट एकदम सही लगाना, 1.0 है कि 10 है कि 100 है, वो भी कंफ्यूज करता है ना, आपको पता रहेगा जोड़ना है, ये बिल्कुल श्योर रहो कि आपको जोड़ना है, बट 0.6 और 0.4 जोड़ने में गलती मत कर देना, 1.0 आ रहा है, 10.0 मत कर देना, पक्का पक्का ना। चलो क्वेश्चन नंबर 21 बन जाएगा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है, बन जाएगा कितना उत्तर आएगा 0.01। पक्का, किसी के लिए सॉल्व करना है क्या, किसी के लिए भी नहीं करना है, दिख रहा है, ऐसे देख के डायरेक्ट आंसर दे पा रहे हो क्या, बिना सॉल्व किए केवल संख्या देख रहे हो और उत्तर बता रहे हो, ये हो पा रहा है सच्ची में ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया है, ये यूनिट बन जाएगा, है ना, अगर किसी को डाउट आ रहा है तो बता रहे हो, क्या हो गया, कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं हो पा रहा, सिर्फ फॉर्मूला देखना पड़ रहा है, फॉर्मूला देखना पड़ रहा है, फॉर्मूला आएगा, याद करना पड़ेगा, याद रखोगे, प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस ही इसमें पूरी वो है, चाबी है, ये यूनिट की प्रैक्टिस ही चाबी है, आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने बार आपको चीजें क्लियर होते जाएंगी, आपको फॉर्मूला जो है ना ऑटोमेटिक दिमाग में बैठते जाएगा, ठीक है, जैसे भी है, जैसे यहाँ पे आप देखो, जैसे 21 है, मैं हल्का सा बस लिख रहा हूँ, मैं कुछ करूंगा नहीं, ओके, जो आपको काम करना है एग्जाम में अप्रोच देखना है, 21 क्या है 0.5 इंटू, बोलो 0.5 इंटू 0.5 है क्या, चलो 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 माइनस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04 हाँ डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.05 प्लस 0.002 ऐसे दिया है क्या, है ना, यही है, प्लस 0.04 इंटू 0.04। ठीक है, जब आप ये चीज देखोगे, ये संख्या देखोगे, आपके दिमाग में आना चाहिए, यही देख के ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको वही दिखना चाहिए, यही दिखना चाहिए, ये यहाँ पे, और डायरेक्ट आपका आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है ना ये यूनिट में, अगर आप कुछ करने गए, इसको अगर सॉल्व करने गए, तीन बार गुणा करोगे पागल हो जाओगे, और दशमलव लगा है, दशमलव का गुणा और गंदा होता है, जिन लोगों को नहीं आता वो, कितने बार लगेगा, जैसे 2, 2, 4, 2, 6, जब ये तीनों का गुणा करोगे 6 संख्या बाद दशमलव लगेगा, है ना, तो फिर परेशानी होती है, ऐसी इसमें भी 6 संख्या बाद, तो वो देखने से अच्छा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। हाँ सर, जो नीचे में है ना 0.002, वो जो ए बी माने हो आप 0.004 ओके इंटू 0.005 कितना हो जाएगा, 5 × 20 कितने संख्या बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कर लेना, आ जाएगा, ठीक है, हाँ, एक बार देख लेना दशमलव मिस्टेक तो नहीं है, ओके चलो जी सर, चलो दशमलव मिस्टेक तो नहीं है, चेक कर लेना, क्वेश्चन में हो सकता है मिसप्रिंट हो, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 यदि, इफ लिखा है ना, इफ का मतलब क्या है, यदि, यदि क्या दिया है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स प्लस वन बराबर 4 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है, बना ये वाला क्वेश्चन, नहीं बना, यस सर, किससे नहीं बना, बन गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स प्लस वन बराबर 4 हो, कुछ लोगों से नहीं बना है तो उनके लिए सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन बटे एक्स प्लस वन, मान दिया है कितना 4, आपको एक्स का मान बताना है, ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर बटे एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, एक के साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब, एक की घात 4, सब कितना होता है, एक ही होता है, देखो ऊपर वाले टर्म को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे दिख रहा है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, पक्का, क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बनता है, चलो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस वन
एक्स माइनस वन बटे एक्स प्लस वन कितना मिलता है? चार। एक्स प्लस वन कैंसल आउट, एक्स माइनस वन बराबर कितना? चार। तो एक्स बराबर चार प्लस एक पांच, ठीक है। आगे उत्तर पांच है ऑप्शन में, नहीं है नन ऑफ द अबो है नोटा, नोटा है नोटा, नन ऑफ द अबो, तो नन ऑफ द अबो आंसर आएगा, ठीक है। पांच आ रहा है, एक काम करते हैं जस्ट टू श्योर मेक श्योर हम लोग आंसर को चेक करते हैं, कैसे करेंगे? x बराबर पांच आप अपने क्वेश्चन में रख के देखो, पांच का स्क्वायर माइनस एक बटे पांच प्लस एक, ओके कितना आना चाहिए इसकी वैल्यू? चार आना चाहिए। पांच का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक, पांच प्लस एक मतलब 6, 25 माइनस एक कितना? 24 बटे 6, 6 चौको 24, आंसर हमारा क्या है? सही है, ठीक है पक्का। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखा है, ओके दिख रहा है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन ऐसा पढ़ पा रहे हो क्या बताओ तो? पक्का पढ़ पा रहे हो ऐसा कि पूरी संख्याएं लिखना पड़ेगा मेरे को? इसको मैं लिख लियो कि इसको छाप लियो क्या? छाप लो, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, थोड़ी देर में तो क्लास अपनी ओवर हो जाएगी, 10 मिनट और लगेगा हो जाएगा। लिख लोगे तो बता देना ना। आजू बाजू को नहीं बताना है, बताने के लिए मैं हूं, है ना? आजू बाजू को नहीं बताना, बताने के लिए मैं हूं, मेरे से पूछ लेना मैं बता दूंगा। लिख लिए? लिख लिए सब? पक्का ना? चलो किसी को लग रहा होगा फास्ट हो रहा तो बता देना ना, मैं पूरी उम्मीद ये करके बैठा हूं कि आप लोग फॉर्मूला याद करके रखे हो तो आप लोगों को इजी लग रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाया हूं आज, नहीं तो हम लोग थोड़ी स्पीड कम कर सकते, थोड़ी सी कम कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्या है क्वेश्चन बताओ? 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर बटे में क्या है? 856 इंटू 856 प्लस 167 इंटू 167, ओके चलो इजी कर देते हैं। ए बराबर क्या मान ले? 856। बी बराबर क्या मान ले? 167। क्या बनता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं करना है, नीचे कुछ भी नहीं करना है, ऊपर देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका एक फॉर्मूला था हमारे पास, क्या होता है? क्या होता है? टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मैं पूरे को क्या लिख दिया? टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, कट जाएगा, कितना उत्तर आएगा? दो। खत्म। कोई कैलकुलेशन लगा? कोई नंबर की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, है ना? पक्का? पक्का ना? जादू तो नहीं हो रहा है? ये कोई भी नंबर दे पागल जैसे, टेंशन नहीं लेना है ना, बड़े बड़े नंबर ही आएंगे, याद रखना इसमें बड़े बड़े नंबर ही आते हैं, हजार से नीचे तो बात ही नहीं करेगा। मतलब अब जो देखोगे ना रेंज, तीन अंक की चार अंक की रेंज रहेगी इस पे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 सेम पैटर्न है, देखो कितना उत्तर आएगा, आंख बंद करके बोलो, तुक्का। चार। चार। पक्का? पक्का? किससे नहीं बना? कौन नहीं गेस कर पा रहा है? कोई ऐसा है जिसको गेस करने में दिक्कत हुई है? सबको गेस हो गया? मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अगर बोल दो कि गेस हो गया तो छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दू। किसी के लिए सॉल्व नहीं करना है? देख लो इधर, देख लो इधर, देख लो, किसी के लिए सॉल्व नहीं करना है? पक्का ना? चेहरे में तो दिख रहा है कि सॉल्व करना है, चलो कर देता हूं मैं, एक आध दिन फिर बीच में ना खड़ा करके पूछूंगा, बता बेटा करके ना, जो ऐसे बोलेगा कि सर बन जा रहा है और फिर नहीं बना तो फिर गाम खत्म है ना उसका, याद रखना। माइनस 174 का स्क्वायर, नीचे में क्या दिया है? 469 इंटू 174, ये दिया है क्या? 496 है क्या? अरे लो ना, क्या 69 है बाबा, 469 है। अच्छा यहाँ पे ये होगा, ये 496 जो लिखा है ना मिसप्रिंट है, वो मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है, ठीक है, वो 469 ही है।
ठीक है 469 ही है, ठीक है। यहाँ जो नंबर रहेंगे याद रखना वैसे ही नंबर यहाँ पे भी रहेंगे, नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा लंबा। तो वो अगर कहीं है तो वो टाइपिंग एरर है, टाइपिस्ट की गलती हो गई, जिसने टाइप किया ना उसकी गलती हो गई। एग्जाम में ऐसा नहीं करना, अभी प्रैक्टिस सेट में मैं बता रहा हूँ, ओके। एग्जाम में तो जो नंबर आएगा उसी से बनाना है, एग्जाम में उसकी गलती नहीं होती, लिपि की एरर नहीं होता ये सारी चीजों में, ओके। चलो आते हैं, क्या है ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी, यही रहता है ना, यही दिख रहा है। क्या होता है इसका ऊपर का बताओ, 4ab कि 2ab, पक्का 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 ना। चलो आप लोग बोल रहे हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बटे ए बी कितना उत्तर आएगा 4। अगर 2ab आएगा तो 2ab हो जाएगा, चेक कर लेना क्या है। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्लास ओवर कर देंगे इसके बाद। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 69, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताइए, निकल जाएगा क्या, कितना आएगा, 50 भी है ऑप्शन में और माइनस 50 भी है, चेक करो पक्का 50 आ रहा है। चलो ये वाला छाप लिए हो पक्का सर, कैसे हुआ बड़? कौन सा कैसे हुआ, कौन सा वाला 25 की 24, अभी बनाऊंगा ना उसको, बनाऊंगा उसको, घबराओ मत, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं है, वो चीजें दिख रही हैं, ठीक है। लाइक कई लोगों के चेहरे में ना वो चीजें आ जाती हैं, और आपको अगर आज याद नहीं हुआ है फॉर्मूला, ये यूनिट यहीं पे खत्म हो जाएगी आज, इसके बाद ये मिलने वाली नहीं है, सीधा एग्जाम में आप इसको देखोगे। ये टॉपिक भी ऐसा है इसका रिविजन कोई नहीं करता है, ठीक है। सीधा एग्जाम में देखोगे उस समय कंफ्यूज रहोगे, प्लस था माइनस था, 2ab² b² हो रहा है कि 4ab हो रहा है, वही कंफ्यूजन होगी और वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करना मतलब सिर दर्द है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको उत्तर 2 आ रहा है या 4 आ रहा है ना, वहीं पे पूरा आपका जो टाइम है ना पूरा वेस्ट होगा टाइम। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन है भले सेम क्वेश्चन बनाओ, सेम नंबर के बनाओ, ठीक है, बट आप वो करोगे, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे। चलो आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है आपको 13, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 69, आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताओ। आपको कोई एक ऐसा फॉर्मूला खोजना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया है और कितनी अननोन राशि है, अज्ञात राशियां 3, तो आप कुछ भी कर लो, इतने में ए बी और सी तीनों का मान आप नहीं निकाल पाओगे। पहले ही ये चीज समझ के रखना, अगर 2 इक्वेशन दिया है आपको, 2 कंडीशन दिया है और 3 अज्ञात राशियों की बात कर रहा है, कंडीशन केवल 2 है और अज्ञात राशियां ज्यादा है, तो कभी आप मान नहीं निकाल पाओगे। अगर कंडीशन 2 होती और अज्ञात राशि भी 2 होती तो मान निकल जाता अलग अलग, कंडीशन 3 देता और अज्ञात राशियां 3 देता तो भी मान निकल जाता अलग अलग। तो ऐसे क्वेश्चन पे हमको ये सेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोई ऐसा फॉर्मूला सोचना पड़ेगा जिसमें ए बी सी भी आता हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी आता हो। ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये बनता है। चलो चेंज कर लेते थोड़ा सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ध्यान से देखना, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे हम रख सकते कितना 13, 13 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इसका मान कितना रख सकते हैं, तीनों का मिला के कितना 69 प्लस 2, ये हमसे पूछा है ए बी बी सी सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। इसको इधर ही रहने दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये वाला 69 इधर ट्रांसफर करो कितना हो जाएगा -69 बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। 169 माइनस 69 कितना 100 बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना मिलेगा 100/2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना 50, ओके। तो लिख देना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो गया 50 हो गया। तो जितने पॉसिबल तरीके हैं हम लोग
जितने पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं पैटर्न, ओके पैटर्न हम लोग कर लिए हैं। इसके आप लोग और क्वेश्चन खोजोगे, बुक का नाम पता है, दो बुक में खोजना है मिल जाएगा, एक आरएस है आरएस अग्रवाल, दूसरा एसडी यादव, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड आप क्वेश्चन खोज सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर नहीं मन है उतना खोजने का, पुराने पेपर निकाल लेना, पुराने पेपर में व्यापम में तो बहुत आया है, एसएससी में बहुत आता है, घूमते फिरते आता है क्वेश्चन पे, वहां से करना। याद रखना ये आपकी पूरी अप्रोच रहेगी ना, कि आप क्वेश्चन को देख के फॉर्मूला पुट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बार बार एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप क्वेश्चन देख के फॉर्मूला पुट कर लिए तो काम बन गया, नहीं तो यही चीज लंबी हो जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करने गए, सिर पटक लोगे, पैर पटक लोगे, ए बी और सी का मान नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है। तो उसको वैसे ही करना है जैसे बताया हूं। अब तीन इक्वेशन हो गई, एक दो तीन, अब भले ए बी सी का मान निकल जाएगा बट अपने को वहां तक पहुंचना ही नहीं है ना, तो ए बी सी कितना है अलग अलग ये मान जानने की जरूरत नहीं है। ओके ओवर कर दे ओवर, ठीक है ना। इसके बाद छत्तीसगढ़ की क्लास होगी तो देखते हैं उसको।